तरफ से यही ठंडी हवा है। दूसरा, मेरे बहुत सारे मोहतरम साथियों ने इत्तेहाद पे भी जोर दिया है, मैं भी उसी बात मौजू पे अर्ज किया है। इत्तेहाद कैसे कायम रह सकता है? अब हमें इस बात पे सोचना होगा कि हम इकट्ठे तो हुए हैं, इकट्ठे रहेंगे कैसे? जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी जात का एहतसाब नहीं करेंगे, रात को सोने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि हमने किसके साथ ज्यादती हुई है और क्यों की है, और सुबह उठ के उस ज्यादती का अजाला करने के लिए उससे माजरत नहीं करेंगे, तब तक आप शायद फिर अपनी जगहों पे वापस चले जाएंगे। तो आप मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मेरी आपसे ये इल्तजा है कि आप अपने में खुद असाबी जो वो पैदा करें। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अलहदा नहीं कर सकती। जैसा कि एक घर की मिसाल देता हूं, अगर बड़ा भाई छोटे भाई का हक खाने लगे, छोटा भाई बड़े घर बड़े भाई से बदतमीजी करने लगे, तो मेरे भाई को घर बसा नहीं करते। जब आप बड़े हैं, आप अपने जूनियर से प्यार करेंगे, उनकी राय को भी मुकद्दम रखेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, वो भी आपकी इज्जत करेंगे, और जब आप उनकी इज्जत करेंगे तो जूनियर भी आपके लिए जान लड़ा लेंगे। तो मेरे भाई, ये इसका जैसे हमें इस बात पे भी फख्र है, मैं डीपीओ साहब की मौजूदगी में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें इस बात पे भी फख्र है कि हम लोग पेशाए पैगंबरी से वाबस्ता है। सहाफी लफ्ज है सहीफा से निकला, सहीफा अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका मायने ये मानते हैं कि पैगाम रसान। हम भी उसी डगर पे चल रहे हैं। मैं अपने भाइयों से ये भी दस्त बदस्ता अर्ज करूंगा कि मेरे भाई, अल्लाह ताला ने आपको कल्ब दिया है और इसकी हुर्मत आपने रखनी है। रोजे महशर आपसे इस कलम का भी हिसाब लिया जाएगा कि आपने जाती मफादात या और कोई मफादात को सामने रखते हुए किसी जालम की हमायत की है, किसी जालम का साथ दिया है, तो मैं बरबला ये कह सकता हूं कि आप अपने लिए दोजख का गड़ा बना रहे हैं। अगर आपके आप ये देख रहे हैं कि जहां जुल्म होता है उसके आगे आप सीना सुपर हो जाते हैं, हक की बात कहते हैं, तो मैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वसूख से कह सकता हूं कि आप अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोल रहे हैं। हक का साथ दें, अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको सुरखरू करता है और आखिरत में भी। जैसे आपका खान सबराबाद वाला मसला बना, डीपीओ साहब के साथ हम पास गए, उन्होंने हक देखा कि कौन हक पे है, उन्होंने हक का साथ दिया, अल्लाह ताला उन्हें और इज्जत से नवाजे। हम लोगों के दिल में उनकी कितनी कदर बनी है ये हम ही जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। डीपीओ साहब माशाल्लाह क्रैन के खिलाफ सीना सुपर हैं, मेरे दोस्तों ने इनको जो अलकाब क्राइम फाइटर का दिया है वो गलत नहीं दिया। दिन हो या रात हो, ये हमारे लिए हमारी जानों के तहफ्फुज के लिए कभी अपने आराम का ख्याल नहीं करते, और कभी जनाबे मोहतरम टेस्ट कर्दों को पकड़ने जा रहे हैं और कभी उनके सहूलत कारों के पीछे हैं, ये किस लिए है? हमारी जानों के तहफ्फुज के लिए। डीपीओ साहब आप हमारी जानों का तहफ्फुज कर रहे हैं,
तो हम भी इस स्टेज पे खड़ा होकर ये दावा करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम भी खून के कतरे कतरे तक आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला कैसे आप क्राइम के साथ लड़ते हैं हम भी लड़ते आए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला क्राइम के खिलाफ लड़ते जाएंगे। हम आपसे एक दरख्वास्त ये करते हैं कि जिस भी जुर्म पेशा को हम अखबार के जरिए या आपके जरिए आप खुद आके आपको बताते हैं, खुदा के लिए उस पर सोचें जरूर, उस पर एक्शन करें जरूर। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ कि ये मेरे दोस्त, ये मेरे भाई आपको इंशाल्लाह ताला 100% दुरुस्त इंफॉर्मेशन देंगे। मैं सब दोस्तों का मशहूर हूँ, साथ में अगर मैं शबाज खान साहब का जिक्र ना करूँ तो मेरा ख्याल है मैं अपने आप से ज्यादती करूँगा। शबाज खान माशाल्लाह मेरे छोटे भाई हैं, अल्लाह ताला इन्हें और इज्जत से नवाजे। शुभ्रा प्रेस क्लब की तारीख में ये पहले सदर हैं जो 3 साल मुसलसल सदर आ रहे हैं, और हो सकता है कि अगले साल भी ये आप खुशखबरी सुने। मुझे इस बात पे बहुत फख्र है कि ये पौधा मेरे हाथों का लगाया हुआ है, अल्लाह ताला इसको और बनावट करे। अब इस पौधे के सब साए तले हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। जहां तक मेरे दोस्तों भाइयों का मजाफात का जिक्र है तो मेरे भाई प्रेस क्लब शेखपुरा आपके बड़े भाई की हैसियत में है। जब कोई छोटा भाई किसी परेशानी में, किसी तकलीफ में हो तो बड़ा भाई, अगर बड़ा भाई है तो वो रात सो नहीं सकेगा। प्रेस क्लब शेखपुर का मामला हो, प्रेस क्लब ननकाना साहब का मामला हो, प्रेस क्लब सफदराबाद का मामला हो, शबाज खान साहब की क्यादत में सभी टीम यकजा होके हमेशा आपकी आवाज पे लबैक कहती हुई आपकी मदद को आई है, और इंशाल्लाह अजीज यही क्यादत, अल्लाह ना करे कि आपको वो परेशानी आए, यही क्यादत आपके साथ आपके शाना बशाना होगी और आपके आगे सीना सुपर होगी। मेरे पीछे शराजी साहब खड़े हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि भाई वक्त कम है, लिहाजा बातें तो बहुत करनी चाहता हूँ अपने भाइयों से, फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला जरूर। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम।